की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 27,390 नए मामले, 347 लोगों की हुई मौत, पिछले 76 दिनों में सबसे कम संक्रमित मिले। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फैसला आज, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ 99 अन्य आरोपी, आज तय होगा कि लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या रिहा होंगे। सुखबीर बादल करेंगे आज शिरोमणि अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी, बीएसपी नेता होंगे साथ, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को किए कई बड़े चुनावी वादे। रीट को लेकर सरकार को देना होगा हाईकोर्ट को जवाब, एसओजी पेपर लीक के मामले में सिर्फ छोटे आरोपियों तक पहुंची, सीबीआई जांच की मांग पर आज याचिका पर होगी सुनवाई। रूस और यूक्रेन के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 16 तारीख को होगा पहला हमला। इस दिन यूक्रेन एकता दिवस मनाने की तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन पर समझाने का प्रयत्न भी किया। उन्होंने 62 मिनट पुतिन से फोन पर बात करी और उनसे कहा कि अगर युद्ध हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ आतंकी हमला। आपको बता दें कि पेरिस स्टेशन पर मौजूद पुलिस पर एक आतंकी ने चाकू से हमला करने की कोशिश करी, परंतु वहां मौजूद कमांडो फोर्स ने उस आतंकी को मार गिराया। T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, चोट लगने के कारण वॉशिंगटन सुंदर हुए सीरीज से बाहर। आपको बता दें, इससे पहले केएल राहुल और अक्षर पटेल भी चोट लगने के कारण हो चुके हैं बाहर। खेल के दौरान हुआ बड़ा हादसा, कैच पकड़ते समय फील्ड पर गिरे स्टीव स्मिथ। आपको बता दें, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला था, जिसमें स्टीव स्मिथ एक सिक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैच पकड़ते समय वह जोर से फील्ड पर गिर गए। दर्दनाक चोटों के कारण वह सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अली फजल बोले, डेथ ऑन द नाइल है उनके लिए सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज। अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। विक्रांत मैसी ने वैलेंटाइंस डे पर करी शीतल ठाकुर से रजिस्टर्ड शादी। इस मौके पर उन्होंने बेहद ही खास मेहमानों को बुलाया। आपको बता दें, वह दोनों एक दूसरे को लंबे समय से कर रहे थे डेट। कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।